हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ठीक है, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आप लोग क्रैक कर सकते हो NTUGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। तो आप यहाँ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरीके से लिया जाएगा। ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसके अलावा जो है, आप लोग 2 मिनट रुकेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्रैक कर सकते हो आप NTUGC नेट इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आप सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का। ठीक है, और यहाँ पर आपको मीनाक्षी लाइव करना है, लगाना है मेरा रेफरल कोड। ये मेरा रेफरल कोड है, अगर आप इसे यूज़ करते हो देन यू कैन गेट 10% ऑफ ऑन योर प्लस सब्सक्रिप्शन। उसके बाद प्रोसीड टू पे कर दोगे आप। ठीक है, तो आप लोग जैसे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आप मेरा रेफरल कोड लगाते हो। साथ ही साथ आप लोग जो है अगर अपने क्रेडिट्स को भी यूज़ करते हो तो ये आप लोगों को 9,000 समथिंग का पड़ जाता है, तो आप लोग ले सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो आप हमारे। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जयदेव क्लासेस फॉर GRF, जयदेव क्लासेस फॉर GRF, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड कौटिल्य अर्थशास्त्र एग्जाम्पलीफाइड रेडिकल मैकेवलिज्म कंपेयर टू इट मैकेवली प्रिंस इज हार्मलेस। सो आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किसने कहा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने कट्टरपंथी मैकियावेलिनवाद की मिसाल दी, इसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस हानि रहित है। तो ये कौन बोलता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज वेबर। ठीक है, इसका राइट आंसर वेबर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बर्डन एंड बेनिफिट्स, पनिशमेंट एंड रिट्रीब्यूशन, वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। आप सभी अपने मन में क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों को चूज कर लेना है, उसके बाद मेरा जो आंसर होगा उससे मिलाना है और देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस का मतलब क्या है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन मैन वन वर्क वन क्लास वन ड्यूटी। ठीक है, तो ये है आपका जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर असर्शन रीजन, तो ऑक्सफोर्ड हॉब्स इज अ ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर प्रोड्यूस द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल। रीजन कहता है नो अदर थिंकर कैन मैच हिज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट। ऑक्सफोर्ड का कहना है हॉब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों द्वारा निर्मित सबसे बड़े राजनीतिक विचारक हैं। रीजन कहता है कोई अन्य विचारक अपनी दार्शनिक नींव और विचार की स्पष्टता से मेल नहीं खा सकता। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑक्सफोर्ड सेज हॉब्स इज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल थिंकर प्रोड्यूस्ड बाय इंग्लिश स्पीकिंग पीपल बिकॉज नो अदर थिंकर कैन मैच हिज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन एंड क्लैरिटी ऑफ द थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हीगल डायलेक्टिकल मेथड वॉज टू बिल्ड अ साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, असेप्ट द एनलाइटमेंट फिलोसॉफिकल मेथड, असर्ट द मेथड ऑफ नेचुरल साइंस एंड दोज ऑफ सोशल साइंस वर आइडेंटिकल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी राजनीति विज्ञान बनाने के लिए ज्ञान उदय दार्शनिक पद्धति को स्वीकार करना, दावा करना प्राकृतिक विज्ञान और समाज विज्ञान के तरीके समान थे, या विरोधाभास की समस्या को हल करना।
इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप देखोगे तो टू द सॉल्व ऑफ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, तो हीगल डायलेक्टिकल मेथड वॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये ध्यान रखिएगा, डायलेक्टिकल मेथड यूज करते हैं ये, है ना। चलो ये बताओ, किसने डिस्टिंग्विश किया था यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स के बीच, यानी ओल्ड मार्क्स और यंग मार्क्स में कौन जो है डिफरेंस करता है? वेरी गुड, क्या होगा आंसर? वेरी गुड, राइट आंसर इज ऑल्थोजर। ऑल्थोजर इज अ करेक्ट आंसर। तो देखिए, यंग मार्क्स और ओल्ड मार्क्स में मैं आप लोगों को डिफरेंस करके बता रही हूँ, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स। तो जब हम यंग मार्क्स की बात करते हैं, तो जो यंग मार्क्स थे उन्होंने जो इम्फोसिस किया था, ठीक है, जो वो जोर देते हैं, तो वो इंडिविजुअल पर जोर देते हैं। किस पर? इंडिविजुअल पर। और ओल्ड मार्क्स अगर आप देखोगे तो वो उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल पर जोर दिया, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे जो आपके यंग मार्क्स थे, ठीक है, जो यंग मार्क्स थे अगर आप देखोगे तो ये आइडलिस्ट थे, और ओल्ड मार्क्स रेवोल्यूशनरी थे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये डेमोक्रेटिक थे, अगर आप देखोगे ये डेमोक्रेटिक थे और ये रेवोल्यूशनरी थे, ये आइडलिस्ट भी थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और दोनों क्या थे? अलग अलग थे। तो कौन बताते हैं? ऑल्थोजर करते हैं, ऑल्थोजर। और एक और आपको ध्यान रखना है, डेविड मैकलीन। क्या नाम ध्यान रखना है? डेविड मैकलीन। डेविड मैकलीन जो है एक तरह से, ये दोनों आपको याद रखने हैं। एक तो आपको ऑल्थोजर ध्यान रखने हैं जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया था यंग मार्क्स एंड ओल्ड मार्क्स के बीच में, और एक आपके आते हैं डेविड मैकलीन जो कहते हैं कि दोनों सेम हैं, ओल्ड मार्क्स एंड यंग मार्क्स आर बोथ आर सेम। तो सेम कौन बताते हैं? डेविड मैकलीन। और ये डिफरेंस कौन करते हैं? डिफरेंस करते हैं आपके ऑल्थोजर। ग्राम्सी करेक्टराइज करते हैं फासिज्म को, तो हेगेमोनिक रेवोल्यूशन, पैसिव बुर्जोइस या पेटेड बुर्जोइस रेवोल्यूशन। आंसर करना है आप सबने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ग्राम्सी करेक्टराइज फासिज्म एज अ, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पैसिव रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ग्राम्सी ने क्या बताया? ग्राम्सी अगर आप देखोगे करेक्टराइज करते हैं फासिज्म को पैसिव रेवोल्यूशन के तौर पे, तो ये ध्यान रखिएगा। ग्राम्सी, एंटोनियो ग्राम्सी, इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन, गांधी वॉज अ क्रिटिकल मटेरियल सिविलाइजेशन एंड पर्टिकुलर डिटेस्टेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। रीजन कहता है ही बिलीव दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज डिस्ट्रॉइंग डीपर वैल्यूज। तो गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे, विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति का विरोध करते थे। रीजन कहता है उनका मानना था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। राइट आंसर बताना है इसका, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यानी कि अगर आप देखोगे गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे, उन्होंने माना था कि औद्योगिक क्रांति का वो विरोध भी करते थे, और उनका मानना था कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है डीपर वैल्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉय लैंडन डिबेट सेंटर्ड अराउंड डायलेक्टिकल मेटलिज्म, मार्क्सिज्म, थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कॉलोनियल क्वेश्चन। क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? रॉय लैंडन डिबेट एंटर्ड अराउंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलोनियल क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉलोनियल क्वेश्चन। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी इज, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है? क्वेश्चन देखिए, अ थ्योरी दैट चैंपियन एक्सक्लूसिवली ह्यूमन राइट्स, अ थ्योरी दैट पुट फॉरवर्ड एनवायरमेंट एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा, अ थ्योरी दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, अ थ्योरी दैट वॉन्ट टू अशर द सोशलिज्म बाय डेमोक्रेटिक मीन्स।
वेरी गुड, राइट हो जाएगा 9 का आंसर सी. अ थ्योरी दैट कंसेंट्रेट ऑन रिफाइनिंग द फैमिलियर फ्रेमवर्क ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी इज कॉल्ड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का. व्हाई वॉज बिहेवियरिज्म शॉर्ट लिव्ड? बिहेवियरिज्म अल्पकालिक क्यों था? इनएबिलिटी थी, इवॉल्व कंसेंस टू मच डॉगमेटिज्म था, इट वॉज अ लोकलाइज इवेंट और कलर्ड बाय कोल्ड वॉर प्रिजुडिस. वाई वॉज बिहेवियरिज्म शॉर्ट लिव्ड? तो आप सभी को पता है बिहेवियरिज्म डेविड ईस्टन है ना, डेविड ईस्टन. तो बाद में क्या आता है, पोस्ट पोस्ट बिहेवियरिज्म आता है, जिस पर डेविड ईस्टन ही बोलते हैं. राइट आंसर होगा इनएबिलिटी. ठीक है, सर्वसम्मति को विकसित करने की असमर्थता थी, इस वजह से ये कैसा था, शॉर्ट लिव्ड था. थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, जरूर लाइक करके जाइएगा. एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय टू ऑल.